दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी।
बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोवलम्बिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोवलम्बिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले।
इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहां पर आप देख सकते हैं, तथा
आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे,
लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी।
दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई
फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना
कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है।
फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले।
इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा
आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे,
लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी।
दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई
फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में। साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे। साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी,
लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर। दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करण अर्जुन के फैक्ट रिव्यू के बारे में, साथ ही हिंदी भाषा में करण अर्जुन कहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा आप इस मूवी के फैक्ट और कुछ ऐसे अनसुलझी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। करण अर्जुन साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शकों को खूब पसंद आई और साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म रही थी। बता दें कि यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्मों से है। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ने लीड रोल निभाए थे, साथ ही फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब इसे जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। करण अर्जुन की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद राकेश रोशन ने इसके बारे में सनी देओल से बात कही थी। हालांकि उन्हें स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात को लेकर कोई रिस्क ले। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में काफ़ी कुछ अच्छी बातें इसमें देखने को मिली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनी थी। दरअसल फिल्म में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। शाहरुख खान को दिल्ली के कोलंबिया स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए शॉर्ट्स ऑफ ऑनर।